नमस्ते, मैं शौरबानी रॉय। मेरे सहजे सुस्वादु चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को चिकन भरता एक बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बना के दिखाऊंगी। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में इसका स्वाद आएगा। मैं बहुत थैंकफुल ग्रेटफुल हूँ आप लोगों से। आप लोगों ने बहुत ही प्यार से मेरे चैनल को देख रहे हैं, लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर रहे हो। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से बेल आइकन को टच कीजिए मेरा नया नया रेसिपीज के लिए। धन्यवाद। तीन स्टेप में ये वीडियो दिखाऊंगी, बहुत ही ध्यान से अंतिम तक देखिए। फर्स्ट स्टेप में कुकर में पानी डाल के 250 ml पानी डाल के चिकन को रख देंगे पानी के अंदर। 2 साबुत इलायची, 1 तेज पत्ता, थोड़ा सा 1 पिंच लहसुन पेस्ट दे के 1 व्हिसल दे के रखेंगे। चिकन बॉईल हो गया, अब सेकंड स्टेप में चला जाएंगे। 3 बड़ा चम्मच तेल कढ़ाई में दे के 1 तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची 1, 2 से 3 छोटी इलायची, प्याज पेस्ट, लहसुन पेस्ट, किशमिश पेस्ट, हरा मिर्च पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, काजू मगज के बीज, खसखस को एक साथ पेस्ट करके डाल दिया। थोड़ा सा हल्दी, नमक स्वाद अनुसार। अच्छे से तहल के तेल निकल लेंगे। तेल निकल आया, चूल्हा को बंद करेंगे। थर्ड स्टेप में कढ़ाई में तेल डाल के बारीक कटे हुए प्याज फ्राई करके, अच्छे से फ्राई करके बारीक कटे हुए टमाटर दे के, जो बॉईल किए हुए चिकन था उसको हड्डी निकाल के लिया, उसे डाल देंगे। नमक देंगे फिर से, गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा, थोड़ा सा जायफल जावित्री पाउडर 1 पिंच करके, कसूरी मेथी, पहले से भुना हुआ मसाला अच्छे से मिलाएंगे। अब 1/2 कप चिकन स्टॉक दे के अच्छे से सूख लेंगे स्टॉक को। 2 बड़ा चम्मच फ्रेश क्रीम दे के 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाएंगे। अच्छे से मिक्स हो गया, अब चूल्हा को बंद करेंगे। चूल्हा को बंद कर दिया, बन गया रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन भरता। ऐसे बनाने से रेस्टोरेंट में जाके चिकन भरता खाने के जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये वीडियो अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद।